हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीट एंड मम्मा। और आज मैं आपको ब्रेड की मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए मैंने ये ब्रेड ले लिया, ब्रेड का साइड वाला निकाल लिया है और एक ब्रेड का चार भाग कर लिया है। और ये मैंने एक कप चीनी ले लिया है। अब हम पहले चाशनी बना लेते हैं। मैंने एक पैन चढ़ा दिया, उसमें मैं चीनी डाल दूंगी और उसमें 1.5 कप पानी डाल दूंगी। चीनी को पहले हम घुला लेंगे। अब इसमें एक इलायची डाल दूंगी मैं, इससे अच्छी स्वाद आती है। चाशनी को एक तार का नहीं बनाना है, बस हल्का सा चिपचिपा सा हो तो गैस बंद कर देना है। ये मैंने चेक करके देख लिया, चाशनी तैयार है। अब इधर मैंने एक पैन चढ़ा दिया, पैन में मैंने घी डाल दिया है। घी को गर्म होने देते हैं, चेक कर लेते हैं कि घी गर्म हुआ कि नहीं। घी गर्म हो गया है, अब हम ब्रेड डाल देंगे। अब ये सारे ब्रेड के स्लाइसेस में डाल दिए हूँ। अब इन सबको उलट पुलट के सेक लेंगे अच्छे से क्रिस्पी होने तक। अब ये अच्छे से सेक गए हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। अब हम इसको निकाल के प्लेट में रख लेते हैं। ये मैंने निकाल लिया है ब्रेड को। अब इधर हम खोया बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दिया है। इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। अब इस चीनी को घुला लेते हैं। हम अब इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर लेंगे। मैंने 2 पैकेट मिल्क पाउडर ऐड किया है, नेस्ले का, जो 10 रुपए के आते हैं। ये किसी भी दुकान पे मिल जाती हैं। अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच घी ऐड कर देंगे। अब इसमें मैंने काजू ऐड कर दिया है, कूट लिया है, उसको ऐड कर लिया। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है खोया में। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। हो गया, ये जब ठंडा होगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। अब इसको हम ब्रेड को चाशनी में डुबा लेंगे। डुबा डुबा के प्लेट में निकाल लेंगे। हम 3 से 4 सेकेंड के लिए चाशनी में रखेंगे। अब ब्रेड को हम प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारे ब्रेड को चाशनी में डाल के निकाल लेंगे। ये मैंने सारे ब्रेड को निकाल लिया चाशनी में। अब इसके ऊपर हम खोए लगा देंगे और इन सब के ऊपर से चिपका देंगे। एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखें। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।